नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी मैंने लिया है लंदन से दोस्तों, और ये कहानी 18वीं सदी की है। दोस्तों, जैक द रिपर नाम को आपने कभी हॉलीवुड के मूवीज में सुना होगा। दोस्तों, 18वीं सदी में यानी 1888 से 1891 के बीच लंदन के ईस्ट एंड में व्हाइट चैपल और उसके आसपास के गरीब जिलों में एक अज्ञात अननोन सीरियल किलर बहुत ही सक्रिय था, जिसके बारे में कोई सबूत जैसे नाम, चेहरा या शरीर की लंबाई, शरीर एवं आंखों का कलर, उसका घर, कुछ भी पुलिस के पास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इस अज्ञात सीरियल किलर के द्वारा करीब 11 महिलाओं की क्रूर हत्या किया गया था। ये सभी महिलाएं उस जमाने में वैश्याएं हुआ करती थीं और कातिल द्वारा इनके शरीर को बुरी तरह से तहस नहस, जैसे पेट के हिस्से को काट देना एवं गला काट देना, इस तरह की घटनाएं की गई थी। दोस्तों, इस सीरियल किलर को उस समय बहुत ही मीडिया कवरेज भी मिला था। दोस्तों, ये जो जैक द रिपर नाम है, ये नाम उस किलर को कैसे मिला, तो दोस्तों इसकी भी एक कहानी है। दोस्तों, उस समय मीडिया के पास एक पत्र आता है, ब्रिटिश मीडिया के पास, और पत्र लिखने वाले ने अपने आप को हत्यारा होने का दावा किया था, और उस पत्र में जैक द रिपर नाम का एक शब्द था। इस शब्द का प्रयोग फिर ब्रिटिश मीडिया ने उस सीरियल किलर के लिए किया था। दोस्तों, यह पत्र उस समय मीडिया में बहुत तेजी के साथ फैला भी था, लेकिन बाद में इस पत्र के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए थे और पत्र को धोखा ही माना गया। जैक द रिपर नाम से जाने जाने वाला इस सीरियल किलर में जनता का विश्वास भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा था। करीब 5 पीड़ित जो शुरू की 5 पीड़ित थीं, जैसे मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एड डोब्स और मैरी जेन केली, इन्हें उस समय कैनोनिकल 5 के रूप में कहा जाता था, और इन हत्याओं को दोस्तों अभी तक हल कभी नहीं निकला एवं यह अज्ञात सनकी व्यक्ति के द्वारा किया गया ज्ञात हत्या आज तक इतिहास ही बना रहा। दूसरा टॉपिक से दोस्तों, अगर आप कोड ब्रेकर्स हैं और आपको इस फील्ड में अनुभव है, तो आपको अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के लेंगले शहर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुख्यालय में स्थापित 12 फीट की फ्रेम को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, 1990 में इस स्कल्पचर को अमेरिकी कलाकार जिम संबोर्न ने कॉपर से बनाया था। इसे क्रिप्टोस कहा जाता है। सीक्रेट राइटिंग की तकनीक का अध्ययन एवं विज्ञान को क्रिप्टोग्राफ्स भी कहा जाता है। दोस्तों, CIA के कोड ब्रेकर और दूसरे विशेषज्ञ अब तक इसके सिर्फ 3 कोड ही ब्रेक कर पाए हैं, चौथा और पांचवा अभी तक नहीं सुलझा है। इसमें 1800 अक्षर मौजूद हैं। 30 सालों से CIA, NSA और दूसरे स्वतंत्र कोड ब्रेकर एक्सपर्ट्स इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के कोड ब्रोकर भी इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग इसके निर्माता जिम संबोर्न से भी मिल रहे हैं ताकि कुछ संकेत ही मिल जाए जिसे कोड सुलझाने में आसानी हो जाए, लेकिन यह दिनों दिन और मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियां जो आज तक मतलब सुलझाई नहीं, इसको कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।